बात हो रही है मृदा जनित सूत्रकृमि यानी नेमेटोड के बारे में। जो इसके रोग के सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं, वो जड़ों में गांठें बन जाती हैं। नमस्ते, आप देख रहे हैं बातें खेती की और मैं हूँ याशु गांधी। अपने आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे मृदा जनित सूत्रकृमि यानी नेमेटोड के बारे में, और विस्तार से बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं विशेषज्ञ मूलचंद शर्मा जी। मूलचंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मूलचंद जी, जब हम मिट्टी की, भूमि की बात करते हैं, तो बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे कीट होते हैं जो मित्र कीट भी होते हैं, शत्रु कीट भी होते हैं, लेकिन जब हम निमेटोड की बात करते हैं जो मृदा से ही, जैसे कि हमने नाम लिया मृदा जनित सूत्रकृमि, तो मृदा से ही पनपते हैं और फसल में अपना प्रभाव दिखाते हैं, गलत या सही तरीके से। तो जब हम निमेटोड के बारे में बात करते हैं तो किस तरीके से ये प्रभावी होता है फसल में, नकारात्मक दृष्टिकोण से? देखिए, निमेटोड को हम अलग अलग भाषाओं में प्रयोग कर यूज करते हैं हमारे किसान भाई। कुछ किसान भाई सूत्रकृमि कहते हैं इसको, सूत्रकृमि के नाम से भी जानते हैं, लेकिन अधिकतर जो किसान भाई हैं इसको निमेटोड के नाम से ही जानते हैं। ये जो इसका पूरा नाम है वो इंग्लिश में कहते हैं इसको रूट नॉट निमेटोड, और हिंदी में कहते हैं इसको जड़ गांठ सूत्रकृमि। तो इसका जो जड़ गांठ सूत्रकृमि जो कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं जो इसके रोग के सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं, वो जड़ों में गांठें बन जाती हैं, और जो जड़ों में गांठें बन जाती हैं तो वो गांठें गॉल्स के रूप में छोटी छोटी गांठें होती हैं, तो इसीलिए इसको जड़ गांठ सूत्रकृमि नाम दिया गया है। हमारे अमेठी यूनिवर्सिटी में डॉक्टर बीके गोस्वामी नेमेटोलॉजिस्ट हैं, और उन्हीं का ये अपना नेमेटोड पे उनका बहुत बड़ा रिसर्च है, तो उन्होंने हमको ये अपना नेमेटोड के बारे में विस्तृत जानकारी इसकी दी। तो ये हमारा जो जो नेमेटोड जो मृदा जनित रोग है, तो ये हमारी बहुत सारी फसलों में लगता है। जैसे हम धान की बात करें तो धान में भी ये लगता है, लेकिन अलग अलग फसलों में इसकी जो स्पीसीज होती है, इसकी जो प्रजातियाँ होती हैं, वो अलग अलग होती हैं। अगर हम धान की बात करते हैं तो धान में ये जो मेलेडोगाइम ग्रेमनी कोला के नाम से जो इसकी स्पीसीज है, जो प्रजाति है, वो मेलेडोगाइम ग्रेमनी कोला है। और हम अगर बात करते हैं टमाटर, भिंडी, ब्रिंजल, तो उसकी बात करते हैं तो उसमें ये जो इसकी स्पीसीज है मेलेडोगाइम इकोंगडीटा। तो डिफरेंट डिफरेंट जितनी भी हमारी अलग अलग फसलें हैं उनमें अलग अलग प्रकार की प्रजातियाँ नेमेटोड की उसमें अटैक करती हैं, और उसमें अटैक करने के बाद में ये हमारा ये मृदा जनित रोग है। तो ये जो हमारी जड़ें होती हैं, पौधे की जड़ें होती हैं, टमाटर की हों, चाहे धान की हों, चाहे भिंडी की हों, चाहे बैंगन की हों, तो वो उस जड़ों के अंदर लगता है, और ये इसका जो जो एक तरीके से इसका जो भोजन होता है वो हमारी जो नई जड़ें होती हैं, जो हम जब जैसे कि हमारी ट्रांसप्लांटेबल क्रॉप हैं, तो ट्रांसप्लांटेबल जितनी भी क्रॉप हैं जिनकी हम नर्सरी तैयार करते हैं, तो ये निमेटोड उस नर्सरी लेवल पे ही उस फसल के अंदर आ जाता है, और उस फसल के अंदर आने से जब उसको ट्रांसप्लांट करते हैं तो वो मेन फील्ड जो हमारा जो ट्रांसप्लांट करने का जो मुख्य क्षेत्र होता है फसल का, वो उसमें आ जाता है, और ये पूरे फसल में इस तरीके से फैल जाता है, तो इससे काफ़ी हानि होती है। जाहिर सी बात है कि जब वो भूमि के अंदर है और उसके बाद किसी भी पौधे की जड़ में अपना प्रकोप कर रहा है, तो नई जड़ों का विकास नहीं होगा, पौधा पनप नहीं पाएगा। जी, जी। अच्छा, बहुत सारे हम चरण की बात करते हैं, कोई भी खेती हो, हम बीज उपचार है, भूमि का उपचार है, जलवायु है, ये इनिशियल स्टेजेस सब में जो है वो ध्यान देने की बात होती है। मृदा की बात हो रही है, मृदा जनित ये कृमि है, तो जाहिर सी बात है ऐसे में जो हम भूमि की जांच की बात करते हैं, सॉइल टेस्ट की बात करते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, वो एक बहुत अहम बिंदु हो जाता है कि हमें उसके माध्यम से इसका पता चल सकता है। जी, इसका जो सॉइल टेस्टिंग है वो बहुत ही अच्छा आपने बताया। जैसे कि सॉइल टेस्टिंग इसका जो किया जाता है, जैसे कि मृदा में हमें ये पता लगाना है कि इसमें निमेटोड है कि नहीं है, नहीं और कौन सी वैरायटी कौन सी वैरायटी है,
तो जैसे हम बात करते हैं टमाटो की बात करते हैं, अगर टमाटो की बात करते हैं तो टमाटो वाली जो नर्सरी है तो वहाँ हम देखते हैं कि तो उसमें जो हम बाहर से देख करके हमें पहले ये पता लगाना होगा कि उसमें लक्षण जो हैं फसल रोग के जो लक्षण हैं वो कैसे हैं। तो ये सबसे पहले बात है कि उसमें जो रोग आता है वो पैचेज हो जाता है, यानी कि पौधा कहीं पे पीला पड़ जाएगा, पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, पत्तियां भी छोटी आती हैं। तो वहाँ से आप एक सैंपल ले सकते हैं और उस सैंपल को जो वॉश किया जाता है, एक तरीके से वॉशिंग करने का जो सीविंग एंड डिकंटेशन मेथड होता है, वो मेथड का नाम है नाथन अगस्टस कॉब ने दिया था हमारे यहाँ पे इंडिया में। तो इसके जो फादर ऑफ निमेटोलॉजी कहे जाते हैं वो नाथन अगस्टस कॉब हैं। तो कॉब का जो मेथड होता है उससे हम ये पता लगा लेते हैं कि इस सैंपल में सॉइल में जो इन्फेस्टेड सॉइल है, जो इन्फेस्टेड फील्ड से हमने जो सॉइल सैंपल कलेक्ट किया है उसको सीविंग एंड डिकंटेशन के मेथड के माध्यम से ये पता लगा लेते हैं कि उसमें कितने नेमेटोड हैं। तो वो वॉश सॉइल वॉश करने के बाद ही पता चलता है उसका मेथड, जो छलनियों के द्वारा छाना जाता है, छलनियाँ पहले 60 ms की होती है उससे 3-4 बार छानते हैं, फिर 100 ms की छलनी होती है उससे भी 3-4 बार करते हैं, और फाइनल जो करते हैं वो 400 ms की छलनी होती है। और उसके बाद इसको हम नंगी आँखों से नहीं देख सकते, नेमाटोड एक ऐसा इंसेक्ट है जिसे हम अपनी आँखों से नहीं देख यानी सकते। इतने चरणों की जांच के, उसको छानने के बाद, जांच के बाद भी हम उसको साधारणता नहीं देख नहीं सकते, देख सकते। उसको प्रॉपर उसको चेकआउट करना पड़ता है हाँ जी कोई भी उपकरण के माध्यम से, जी इंस्ट्रूमेंट जी के माध्यम जी से। जी जी अब जब ये पता चल जाता है और उसका प्रकार पता चल जाता है, तब क्या करना चाहिए हम आपसे जानेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अगर हम बायो एजेंट की बात करते हैं तो उसमें पेसिलियोमाइसिस लाइलेसिनस का प्रयोग करना चाहिए और उसकी मात्रा प्रति हेक्टेयर 4 से 5 किलोग्राम की दर से, और वो उसमें कोई उसके साथ के कोई केमिकल इस्तेमाल ना करें। ये कोई दूसरा अगर हम बायोलॉजिकल मेथड से उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं नेमेटोड का, तो कोई दूसरा केमिकल या कोई दूसरा पदार्थ उपयोग ना ना करें। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है बातें खेती में। आज बात हो रही है मृदा जनित सूत्रकृमि यानी नेमेटोड के बारे में। बहुत सारे स्तर की जांच के बाद जब हमें पता चल जाता है कि इसमें, इस मृदा में नेमेटोड उपस्थित है, तब किस तरीके से इसका उपाय किया जाता है, इसको ठीक करने की कोशिश की जाती है। जी पहले हम इसे जो हमने उपाय ये बताए छलनियों से छान करके, जो छलनी होती हैं उसके बाद हम इसे नंगी आँखों से नहीं देख सकते, तो उसके लिए बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप से देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि ये इन्फेस्टेड फील्ड से, इन्फेस्टेड सैंपल से, और वो निमेटोड जो लिए गए हैं वो कितने हैं, उनको काउंट करना पड़ेगा। ये अगर अगर हम बात करें कि 1 ग्राम सॉइल में अगर 2 लार्वी निमेटोड हैं तो वो हमारी फसल को हार्मफुल नहीं है, हमारी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। नहीं पहुंचाएंगे। अगर उसकी पॉपुलेशन उससे ज़्यादा बढ़ जाती है निमेटोड की तो वो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये उसका काउंट करने के लिए ये मेथड अपनाना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा, जो आमतौर पे जो हमारे किसान भाई जो पहचानते हैं अपने खेत में जो पैचेस फील्ड के माध्यम से, यानी उनके खेत में पैचेस बन जाता है, पैचेस कहीं कहीं पे प्लांट छोटा होता है, कहीं सही होता है, बड़ा कहीं पे होता है, हाँ जी कहीं पत्तियां छोटी रह जाती हैं, कहीं वो मतलब सब्जी वे पूर्णतया विकसित नहीं हो पाता है। विकसित नहीं हो पाता है। तो ये मोटे तौर पे किसान भाई उसमें अनुमान लगा लेते हैं, लेकिन साइंटिफिक मेथड जो है वो साइंटिफिक मेथड मेजरमेंट अलग है। अलग होता है, वो इस तरीके का ही होता है, उसे माइक्रोस्कोप बाइनोकुलर के माध्यम से ही पता लगाया जा अच्छा, सकता है। अब जांच कर ली और उसकी संख्या उतनी है जितना वो किसी भी फसल को नुकसान पहुंचा सकता है, जी ऐसे में क्या-क्या उपाय किए जाने चाहिए? हाँ जी हाँ जी इसका अगर हम कंट्रोल की बात करते हैं तो पहले हम केमिकल कंट्रोल को लेते हैं। जितने हमारे केमिकल कंट्रोल में इसमें हम कार्बोफ्यूरान, यानी कि जो फिराडॉन इसकी ब्रांड है और उसको टेक्निकल नेम है इसका कार्बोफ्यूरान, तो कार्बोफ्यूरान की मात्रा 1.5 से 2 किलोग्राम, 1.5 किलोग्राम से 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बखेर सकते हैं, और जिससे वो आपका जो नेमेटोड है, जो नेमेटोड के जो एग्स होते हैं वो एग वहीं पे उसके ख़त्म हो जाते हैं।
और अगर हम बात करते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल, तो बायोलॉजिकल कंट्रोल में इसका एक बायो एजेंट आता है जिसका नाम है पेसिलोमाइसिस लाइलेसिनस। जो पेसिलोमाइसिस लाइलेसिनस है, ये हमारे भारत में डॉक्टर बी के गोस्वामी जी ने ही, ये जो बायो एजेंट है उन्होंने ही ये रिसर्च करी थी इसकी, और उनके द्वारा ही ये भारत में आया। अच्छा, ये दोनों या जो भी आप उपाय बता रहे हैं, ये आसानी से किसी भी जगह से, स्टोर से जहाँ पे हम कृषि का सामान लेते हैं, वहाँ से आराम से मिल सकता आराम से है। मिल सकता है। तो अगर हम बायो एजेंट की बात करते हैं, तो उसमें पेसिलियोमाइसिस लाइलेसिनस का प्रयोग करना चाहिए, और उसकी मात्रा प्रति हेक्टेयर 4 से 5 किलोग्राम की दर से, और वो उसमें कोई के, उसके साथ के कोई केमिकल इस्तेमाल ना करें। ये कोई दूसरा कैम अगर हम बायोलॉजिकल मेथड से उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं नेमेटोड का, तो कोई दूसरा केमिकल या कोई दूसरा पदार्थ उपयोग ना ना करें। करें, तो उसमें हम ये बात ध्यान रखेंगे कि जो बायो एजेंट यूज़ कर रहे हैं, जो जैविक दवाइयाँ उसमें यूज़ कर रहे हैं, हम प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें हमें गोबर की खाद, सूखी गोबर की खाद में मिला करके, 1 हेक्टेयर खेत में जितनी पर्याप्त मात्रा में खाद आसानी से बिखर जाए उसमें मिला करके, और कुछ दिन तक उसमें रहने दें, उस बायो एजेंट को मिला लें। मिलाने के बाद उसको 4-5 दिन, 1 हफ्ते तक उसमें रखें, और रखने के बाद में उसको बखेर दें। वो रखते इसलिए हैं उसमें कि वो जो उसके जो क्लाइमेडोस्पोर्स होते हैं, जो पीएल एक फंगस होती है जी पेसिलोमाइसी, तो वो फंगस उस गोबर की खाद में मल्टीप्लाई कर जाती है। तो मल्टीप्लाई करने से वो पूरी होल गोबर की खाद में आ जाती है, और वो हमारे 1 हेक्टेयर खेत खेत के लिए पर्याप्त होती है। जी तो ये हम जो है उसमें जैविक विधि से कंट्रोल करने का मेथड है। तीसरा हम मैकेनिकल से यानी कि कर, एक हम केमिकल के माध्यम से कर सकते हैं, हाँ जी इसके हाँ अलावा हम जैविक माध्यम से जो बायोलॉजिकल मेथड है उससे उसका उपचार कर सकते हैं, जी, और इसके अलावा हम मैकेनिकल जो तरीका है या नेचुरल भी कहा जा सकता है नेचुरल, हाँ जी उसके हाँ माध्यम से भी हम जो नेमेटोड है अगर उसका प्रभाव है मृदा में तो उसको कम किया जा सकता है। और वो कैसे होता है अगर हम नेचुरल तरीके से मैकेनिकली करते हैं तो? जो नेचुरल तरीके से करते हैं, तो वो हमें ये देखना होगा कि हम अपनी जो नर्सरी है, जो ट्रांसप्लांटेबल क्रॉप हैं, तो वो हम नर्सरी किस कितने एरिया पे, कहाँ पे उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो जहाँ पे हमें नर्सरी उगानी होती है, उसको कम से भी कम 4 से 5 हफ्ते पहले उसको पॉलीथीन से सोलराइजेशन करते हैं, उसका सॉइल का सोलराइजेशन करते हैं। सॉइल का सोलराइजेशन करने से भी पहले हम उसमें जो बॉटनिकल एंटागोनिस्ट होते हैं, जो वनस्पतिक प्रतिद्वंदी कहते हैं जिनको, तो उसका इस्तेमाल, जैसे कि क्रूसीफेरी फैमिली के हमारे ये गोभी के पत्ते हैं, सरसों के पत्ते हैं, उनको हवा में सुखा करके उसका पाउडर बना लें, और उस पाउडर को जो नर्सरी है आपकी, यानी कि जैसे कि आपको 1 हेक्टेयर खेत की नर्सरी आपको चाहिए, तो उसके 1/20, यानी कि जो नर्सरी का क्षेत्रफल होता है, वो जितना आपको उसके क्षेत्रफल अनुसार उसके अनुसार उसमें आप वो उसकी पाउडर मात्रा डाल करके घटाई या बढ़ाई जा सकती घटाई है। या बढ़ाई जा सकती है, उसमें वो पाउडर डालना है। जो क्रूसीफर्स फैमिली का जो आपने जो लीफ का पाउडर बनाया है, वो पहले उस जो नर्सरी वाली जो सीड बेड है उस पर वो पाउडर डाल करके, और उसको ऊपर से पॉलीथीन से कवर कर दें, और उस पॉलीथीन को कम से भी कम 3 से 4 हफ्ते तक आप उसे कवर करे रखें, जिससे हमारे जो मृदा जनित रोग होते हैं, जितने भी हमारे मृदा में इंसेक्ट पाए जाते हैं, चाहे वो इंसेक्ट है चाहे फंगस है, वो सभी हमारे जो सॉइल है वो 100% सॉइल उसकी पूरी हेल्थ उसकी सही हो जाती है, उसमें कोई भी इन्फेक्ट नहीं होता, कोई भी इन्फेस्टेड सॉइल नहीं हो रहती है, वो एक मात्रा में शुद्ध मृदा हमें अपनी प्राप्त नर्सरी के लिए प्राप्त हो प्राप्त जाती है। हो जाती है। तो ये अगर उसमें ये रोग है पाया जाता है कृमि, तो ये तीन उपाय से हम शुद्ध मृदा को प्राप्त कर कर सकते सकते हैं। हैं। इसके आगे हम किन बातों का इसमें ध्यान रखें ये हम आपसे जानेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। गेंदे में वो एक रेप्लिकेंट होता है, ये निमेटोड के प्रति रेप्लिकेंट होता है, इसके जो फ्यूम्स होते हैं वो निमेटोड्स को किल कर मार देते हैं। तो वो हम गेंदे की जब फसल उसमें करते हैं, तो गेंदे की फसल, गेंदे की जब तुड़ाई करने के बाद में
जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है, उसका हार्वेस्टिंग पीरियड ख़त्म हो जाने के बाद में जो उसके गेंदे के प्लांट होते हैं वो सारे उसी में जोत करके वो उसी मिट्टी में दबा देने चाहिए। तो हमारी जो सॉइल है, जो हमारा फील्ड है, उसमें निमेटोड का रोग आने के बहुत कम चांस रहते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, और आज बात मृदा जनित सूत्रकृमि यानी निमेटोड की हो रही है। अगर ये पाया जाता है मृदा में, तो आपने बताया कि केमिकल से बायोलॉजिकली और नेचुरली भी हम इसको ठीक कर सकते हैं। वो वाला जो हमारा बिंदु था कि हम मैकेनिकली या नेचुरली इसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, वो मैं चाहूँगी कि आप इसको पूर्ण करें। जी, पहले हमने उसमें सोलराइजेशन के बारे में बताया। सोलराइजेशन में पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो इसका नेचुरल तरीका है कि आप जो फसल चक्र अपनाते हैं, यानी कि जैसे निमेटोड हमारा धान की फसल में आता है, टमाटर की फसल में आता है, बैंगन की फसल में आता है, तो उसके बाद आप कौन सी दूसरी फसल ले रहे हैं, तो दूसरी फसल लेनी चाहिए वो निमेटोड विरोधी फसल लेनी चाहिए। जैसे कि हम गेंदे की बात करते हैं, तो उसके जैसे हमने पहले टमाटर या बैंगन की फसल ली है उस खेत में, तो दूसरी क्रॉप हमें गेंदे की लेनी चाहिए। प्राकृतिक तरीके से जिस फसल को हम मृदा जनित सूत्रकृमि या नेमेटोड प्रतिरोधक क्षमता वाला मानते हैं, हाँ जी, उसको हम लगा सकते हैं। मतलब या तो हम एक दूसरा तरीका है ट्रीटमेंट दें, इसके अलावा जो अगली फसल है उसमें ध्यान रखें कि उसमें ये प्रतिरोधक क्षमता होनी चाहिए। और खास तौर से गेंदे की आप बात बता रहे हैं कि अगर हम उसकी खेती करते हैं तो सहायता होगी। क्या इसमें कुछ खास इसमें प्रक्रिया अपनानी पड़ती है? हाँ जी, हाँ जी, वो क्या है कि जैसे गेंदे में वो एक रेप्लिकेंट होता है, ये निमेटोड के प्रति रेप्लिकेंट होता है, इसके जो फ्यूम्स होते हैं वो निमेटोड्स को किल कर मार देते हैं। तो वो हम गेंदे की जब फसल उसमें करते हैं, तो गेंदे की जब तुड़ाई करने के बाद में जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है, उसका हार्वेस्टिंग पीरियड ख़त्म हो जाने के बाद में जो उसके गेंदे के प्लांट होते हैं वो सारे उसी में जोत करके वो उसी मिट्टी में दबा देने चाहिए। तो हमारी जो सॉइल है, जो हमारा फील्ड है, उसमें निमेटोड का रोग आने के बहुत कम चांस रहते हैं। तो उसमें निमेटोड की जो प्रक्रिया है, जो आने की समस्या है, वो कम हो जाएगी। अच्छा, ये तो आपने तरीके बताए कि किस तरीके से हम मृदा की जांच करते हैं, उसके बाद ये अपना सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। कुछ खास सावधानियाँ भी इसमें रखी जाती हैं? जी, सावधानियां, जैसे कि हम बात कर रहे थे बायो एजेंट की, तो बायो एजेंट को यूज़ करने के लिए हमें विशेष टेम्परेचर का ध्यान रखना होता है। अच्छा, कि वो आप जो बायो जो जो जैविक जो पेंसिलियोमाइसिस लाइलेसिनस आप खेत में डाल रहे हैं वो शाम के समय डालें, ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। जिससे टेम्परेचर अधिक रहता है तो वो जो बायो है, जो फंगस है, वो हमारी मल्टीप्लाई नहीं कर पाती है, वो फसल में उतना अच्छा काम नहीं दिखा पाती है, उसके जो स्पोर्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, उसका प्रभाव कम हो जाता है। दूसरी बात करते हैं, जैसे हम फ्यूराडॉन की बात कर रहे थे, तो फ्यूराडॉन को इस्तेमाल केमिकल है, मेथड है वो, तो उसकी डोज भी 1.5 से 2 किलोग्राम ही रखनी चाहिए, उसकी ज़्यादा डोज नहीं बढ़ानी चाहिए, और उसको किसी सैंड में मिला करके उसमें खेत में डाल दें, उसको सॉयल ट्रीटमेंट में ही डालें, मृदा उपचार ही करें उसका। वो मृदा उपचार करते हैं तो वो हमारे जो निमेटोड हैं हमारी फसल में आने की बहुत कम संभावना रहती है। तो ये सावधानियां बहुत अहम हैं इसमें, कि एक तो उसका टेम्परेचर का विशेष ध्यान रखना है, एक आप जो केमिकल के साथ बायोलॉजिकल मेथड ना अपनाएं। अगर केमिकल से कंट्रोल दो उपायों को, या कह सकते हैं कि एक ही बीमारी के लिए दो अलग अलग दवाइयों का उपयोग ना करें। अन्यथा रिएक्शन होने की जैसे हम लोगों में संभावना होती है, ऐसे मृदा में भी हो सकती है, फसल में भी हो सकती है। तो जिस मेथड या जिस प्रोसेस को आपको अपनाना है केवल उसका ही प्रयोग करें। अच्छा, केमिकल और बायोलॉजिकल तो हम नहीं मिला सकते, क्या नेचुरल और केमिकल या नेचुरल और बायोलॉजिकल पैरेलल चल सकते हैं? हाँ जी, वो चल सकता है। जैसे नेचुरल की बात करते हैं तो उसमें कोई बायोलॉजिकल है नहीं, उसके साथ आप केमिकल का इस्तेमाल करना चाहिए। हमने अगर केमिकल का इस्तेमाल किया और उसके बाद फॉर एग्जांपल आपने जैसे कहा गेंदे की खेती कर सकते हैं, तो उस वो काम हम कर सकते हैं। अन्यथा अगर हम बायोलॉजिकल प्रोसेस को साथ में मर्ज करते हैं तो नुकसान हो जाएगा। हाँ, और मान लीजिए गलती से ये गलती हो जाए तो किस तरीके से इसका नुकसान हो सकता है, या फिर सिर्फ इतना होगा कि
प्रभाव कम होगा। प्रभाव कम हो जाएगा, उसमें जो बायो एजेंट आपने डाला है हाँ उसका प्रभाव कम हो कम हो जाएगा, जाएगा। जो आपका जो बायो एजेंट में जो किसान भाइयों का पैसा गया है वो आपका इन्वेस्ट फालतू का पैसा जाएगा, यानी कि समय और ऊर्जा दोनों का ही जो है वो नुकसान। खपत होगी, हाँ नुकसान होगा। हाँ जी हाँ जी तो यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो जब हम बार बार सॉइल टेस्ट की बात करते हैं, मृदा की जांच की बात करते हैं, वो एक घूम फिर के यही बिंदु आता है कि वो बहुत ज़्यादा अहम है। जांच परख ले पहले से ही कि जो फसल है उसमें जो बाद में रोग लगेंगे वो अलग चीज़ है, लेकिन पहले से हम किसी बीमारी वाली जो भूमि है उसमें किसी नई पौध को ना उगाएं ना लगाएं। और इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान मित्रों को दी। धन्यवाद आपको मैम। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और अब हमारा पता नोट कर लीजिए ताकि आप अपनी कोई भी बात या कोई सुझाव या कोई शंका हमसे साझा कर सकें। हमारा पता है 302A पोसाइडन टावर ऑफ यारी रोड, वर्सोवा, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400061। हमारा ईमेल आईडी है bkk@greentvindia.com। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 01204980011। अपने टीवी पर ग्रीन टीवी देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर या DTH ऑपरेटर को तुरंत कॉल करें और हमें लिख भेजें info@greentvindia.com पर। SMS या WhatsApp करें 9769577049 पर। तो उम्मीद है ये पता आपने नोट कर ही लिया होगा। आप कीजिए हमसे संपर्क की तैयारी और याशु को दीजिए इजाजत। देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते।